Good morning friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn English structure, a very important English structure. आज हम लोग एक English structure जानने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज की वो English structure कौन है, सबसे पहले इसकी आईडी देखते हैं. इसकी आईडी है भर प्लस या जा चुका था. ये आईडी है, यानी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में या जा चुका था होना चाहिए. तो हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये वो इंग्लिश स्ट्रक्चर है जिसपे हम सेंटेंस को बनाएंगे. तो चलिए बनाते हैं आज की सबसे फर्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक पैसिव सेंटेंस है और ये स्ट्रक्चर भी पैसिव है. पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यह पुस्तक यानी दिस बुक. उसके बाद हैड, बिन, गिवन भीतरी होता है, गिव का भीतरी, गिवन टू यू. दिस बुक हैड बिन गिवेन टू यू, आपको यह पुस्तक दिया जा चुका है. ये सेंटेंस कितना ईजी वे में इस स्ट्रक्चर पे बन गया. एक और सेंटेंस लेकर बनाते हैं. मेरे द्वारा तुम्हें पैसा दिया जा चुका था. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मनी. मनी हैड बिन गिवेन बाई मी. मेरे द्वारा तुम्हें पैसा दिया जा चुका था. राम के द्वारा यह काम को किया जा चुका था. यह काम यानी दिस वर्क. हैड बिन डू का भीतरी डन, डन बाई राम. राम के द्वारा यह काम को किया जा चुका था. उसके द्वारा खाना बनाया जा चुका था. फूड हैड बिन कुक्ड बाई हिम. उसके द्वारा खाना बनाया जा चुका था. तो ये सारे सेंटेंस कितना इजी वे में यहाँ पे हम बना चुके हैं. इस पर आप बहुत सारे सेंटेंस लेकर बनाएंगे और इसे अपने डेली यूज सेंटेंस में, स्पोकन में यूज़ करेंगे. ये पैसिव सेंटेंस था. एक्टिव पैसिव अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िए. वीडियोस पहले से डाला हुआ है हमारे चैनल पर. अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ज़रूर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगा. तो ज़रूर पढ़ें और हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, स्पोकन एंड ग्रामर, जो भी आपको प्रॉब्लम हो. तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. टेक केयर, बाय बाय.